ठीक है, और थोड़ा सा साउंड को फुल कर दीजिए, यहाँ पे साउंड को, साउंड फुल, पूरा साउंड को फुल करिए, इधर नहीं, हाँ वहाँ पे साउंड है, साउंड को पूरा फुल कर दीजिए, हाँ ठीक है। अब नॉर्मल स्टार्ट कीजिए, बबल, नॉर्मल बबल को कैसे माउस से क्रशर से जाकर उसको करते हैं, करिए। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही बबल ब्लास्ट हो रहा है, साउंड कुछ कर रहा है, ठीक है। और जो भी वर्ड आएगा, वर्ड जैसे ही वर्ड कोई इंटर करेंगे तो वो प्रोनाउंस करेगा, देख रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने, देखिए इसमें ज़्यादा माउस का यूज है, ठीक है। तो मैं आप लोग को पीछे का बैकग्राउंड करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को साफ क्लियर दिखे कि कैसे कर रहे हैं। कोई भी बच्चा कर सकता है, या मैं किसी को बुला रहा हूँ, जाइए आप लोग। हाँ, अब मैं मान लीजिए इसको बुला रहा हूँ, ठीक है। आप तुम आओ तो बभी, आप आकर करिए तो। हाँ, आपको नेक्स्ट गेम करना है, ठीक है। हाँ चलिए,
ठीक है, दूसरा गेम लाइए लाइए, दूसरा गेम मैक्सिमाइज करिए उसको। ये सब मतलब जान रहा है बच्चा, ऐसा कोई कहने की जरूरत नहीं है अभी से लोग। अब दूसरा गेम लाइए आप। हाँ वेरी गुड, जैसे अब ये स्टार्टिंग हो रहा है गेम आप लोग। हाँ अब देख सकते हैं आप लोग गेम चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। तो हम पीछे का आपको फ्रंट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं अभी से, मतलब लोग कैसे इन लोगों को मालूम हो गया। देख लो गुड जॉब आलिया, एक इन्होंने एक गेम को लेवल पूरा कर दिया, देख सकते हैं आप लोग। हाँ माउस को थोड़ा और आगे बढ़ाओ अपने हाथ को। हाँ उसका मट्टी पुतुम करो सर, काहे टिप रही हो, कर देगी नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ये लोग मतलब सभी गेम अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं अब दूसरे बच्चों को बुला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कैसे पे। हाँ अब दूसरा गेम लाओ। तो दूसरा गेम लाओ, दूसरा गेम। हाँ देखिए लोग कैसे अब दूसरा गेम लाएंगे। हाँ अब ये लोग दूसरा कैसे गेम लाता है आप लोग देख सकते हैं। देखिए दूसरा गेम लाइए, अब जो तुमको मन करे वो गेम लाइए ना जी। अब मैक्सिमाइज करिए, अभी से जो बच्चे कंप्यूटर सीखेंगे थोड़ा बहुत आगे चल के उनको एग्ज़ाम देने में भी दिक्कत होगी। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं नवोदय वाला या जॉब वाला नौकरी वाला, सभी को कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम भी ऑनलाइन अब हो रहा है। तो अभी से हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक उन लोग को बताना कंपलसरी है। पता नहीं कौन सा गेम है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कौन सा गेम है? अच्छा सजावट वाला गेम है बोल रहा है, क्रिसमस को सजाना है। देख रहे हैं आप लोग अब गेम खत्म हो गया। देखिए कि वो लोग ओवर पूरा कर दिया तो एंजॉयमेंट कर। हम दूसरे बच्चों को बुला रहे हैं, अब कौन आएगा? कौन? अब देखिए सब कोई मतलब गेम अलग अलग खेल सकते हैं इसमें, जितना भी गेम है। तो रुको कौन आएगा? हाँ अभी कभी जितने भी कभी अभी जितने मतलब हमारे देखने से कोई पढ़ा लिखा है जो MSc BSc कोई मास्टर होगा उनको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता होगा। सही बात है, इन लोग का पापा बताओ तो। अच्छा रुक जाओ तो इनसे पूछ लेता हूँ। चलो तो गुड़िया से बताओ तो, अगर तुम्हारे पापा कंप्यूटर चलाना आता है? तुम्हारे पापा कंप्यूटर चलाना आता है? तुम्हारे पापा चला देते हैं? अच्छा चलो। तुम्हारे पापा, इसके पापा, तुम्हारे पापा कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे? देखिए मतलब इन लोग कंप्यूटर चला देता है और इनका पापा का नहीं आता। तो यही एडवांस जनरेशन है, हर एक चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, यही इसलिए कहा गया कि जितने भी बच्चे हो। हाँ
गुड डे। देख सकते हैं कौन ये गेम मतलब लगभग में सब कुछ खेलते हैं। इसके बाद से कौन आएगा नेक्स्ट, कौन आएगा रुको हो देख रहे हैं कि कंप्यूटर इज द फंडामेंटल लाइफ ऑफ ह्यूमन, बिकॉज बिना कंप्यूटर का हम लोग अब जीवन में सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी से आप लोगों को मतलब अपने बच्चों को क्या कंप्यूटर के बारे में बेसिक बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा एडवांस करे और अच्छे खास से सैलरी पाए मतलब जॉब पाए, तो देखिए जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सरकारी सब हो रहा है, क्या हो रहा है कंप्यूटराइज हो रहा है, चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, दो चार मतलब बिहार का ही जो एग्जाम है बाकी सबके मतलब रिटर्न होता है तो बाकी सब कंप्यूटराइज हो रहा है। तो मैं आप लोग चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को बेसिक कंप्यूटर के बारे में सिखाइए और सब कंप्यूटर सिखाइए चाहे मत सिखाइए। सबसे पहले आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाइए, क्योंकि अंग्रेजी क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वो ऐसा ही लैंग्वेज जो सभी मतलब देशों को जोड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाइए, या तो उनको कंप्यूटर के साथ साथ अगर पूरा एडवांस बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश भी सिखाए, नहीं तो केवल इंग्लिश ही सिखाइए। भारत के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। तो एस जयशंकर जी उनको इंग्लिश में अच्छे एटोमिन है तो अपने कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी बातों को, और जो विदेशी है फॉरेनर जो है रिप्रेजेंटेटिव वो समझ जाते हैं और इन अपनी बातों को मनवा लेते हैं। तो जितने बच्चे हैं ये सब कोई कंप्यूटर चला सकते हैं जी, सब कोई चला सकते हैं, सब कोई मतलब अपने नाम से लिख सकते हैं, खोल सकते हैं, सब कोई खोल सकता है, सब कोई चला सकता है। तो कोई ऐसा मतलब अब एप्लीकेशन भी लोग लिख भी सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख सकते, पूरा बच्चे एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिख लेते हैं और कोई कंप्यूटर चला के गेम दिखा दो तो भाई दूसरा को। तो चलिए एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को, चलिए फास्ट करो कैसा है मुझे। हाँ जिनको जो पसंद है वो लोग गेम खेल लेते हैं। चलिए गेम स्टार्ट होना, देखिए बताइए तो बाबू एडिशन है। थ्री क्लॉथ और वन क्लॉथ इक्वल टू फोर। देख रहे हैं आप लोग सभी मतलब गेम थोड़ा बहुत अच्छा से खेल सकता है। फोर जग प्लस वन जग इज इक्वल टू फाइव, और फाइव को उसको ड्रैग करके ले जाकर वहां पे ड्रॉप कर देना है, गेम हो गया। और हम दूसरे बच्चों को बुलाएं दूसरा गेम खेलने के लिए, रुक जाओ अभी तुम आएगा उसके बाद। तो ये लोग सभी लोग चला सकते हैं, मिलने आप लोग को अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। काट देगा सर और उसको पक जाएगा सर, उसके बाद से किया जाएगा।